Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Ajmal Jatt and welcome to my channel. Today we are going to discuss angular accelerations. Angular acceleration is the time rate of change of angular velocity is called angular acceleration. Student, आपने फैन को देखा है, आपके रूम में जो फैन लगा हुआ है उसको आप जैसे ही ऑन करते हैं तो वो एक सर्कुलर फॉर्म में मूव करना शुरू कर देता है. शुरू शुरू में उसकी वेलोसिटी आपने देखा है एंगुलर वेलोसिटी वो जीरो होती है और आहिस्ता आहिस्ता उसकी एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, तो इसका मतलब कि उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है जिसको हम एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं. एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन में डिफरेंस स्टूडेंट आप क्या है वो अपने प्रीवियस थर्ड चैप्टर में लीनियर एक्सेलरेशन देखा था, जिसमें अगर कोई गाड़ी मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी और जैसे जैसे उसकी स्पीड बढ़ रही थी उसकी वेलोसिटी बढ़ रही थी तो उसके अंदर जो है लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा था. सिमिलरली अगर कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रही है और उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, मसलन एक बॉडी अगर आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रही है, आपने उस पर कोई फोर्स लगाया है, उसके ऊपर आपने उसको फोर्स दिया तो उसकी वेलोसिटी बढ़ी है सर्कल में, एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हुई है, तो उसको हम कहते हैं कि उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है वो एंगुलर एक्सेलरेशन है. जिस तरह स्टूडेंट आपने देखा था वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है या डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वो आपके पास एक्सिस में होती थी, आपने राइट हैंड रूल से फाइंड किया था. इसी तरह अगर हम एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन की बात करें तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इसकी डायरेक्शन भी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन क्या कहते हैं एक्सिस के अराउंड ही होगी. जिस तरफ एंगुलर वेलोसिटी होगी उसी तरफ इसकी डायरेक्शन होगी. एंगुलर एक्सेलरेशन को हम डिनोट करते हैं अल्फा से, जिस तरह एंगुलर वेलोसिटी को आपने ओमेगा से डिनोट किया था इसी तरह एंगुलर एक्सेलरेशन को आप अल्फा से डिनोट करते हैं. ये एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें इसकी डायरेक्शन हमें नज़र आ रही है. डायरेक्शन मैंने बताया था कि आप राइट हैंड रूल से फाइंड कर सकते हैं कि अगर आप कि ये फिंगर आपकी इस डायरेक्शन को शो कर रही है सर्कल को, तो आपके पास जो एक्सिस है इसमें आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होती है. तो इसकी डायरेक्शन अलॉन्ग एक्स एक्सिस है. इट्स डायरेक्शन अलॉन्ग द एक्सिस एक्सिस ऑफ रोटेशन है. द सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज रेडियन पर सेकेंड स्क्वेयर है. अब हम बात करते हैं एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन की. स्टूडेंट, अगर ये बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, इसकी वेलोसिटी जो चेंज हुई है इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी में जो चेंज आई है विद टाइम, उसको हम कहते हैं उसका अगर टोटल लेते हैं, टोटल चेंज इन वेलोसिटी इन टोटल टाइम, देन दैट इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशंस, जिसकी डेफिनेशन है द रेशियो ऑफ द टोटल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी टू द टोटल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशंस, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन. फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूँ कि लेट ओमेगा आई इनिशियल वेलोसिटी एंड अ फाइनल वेलोसिटी आर द एंगुलर वेलोसिटीज एट इंस्टेंट टी आई एंड टी एफ. ओमेगा आई इनिशियल वेलोसिटी जो है, इनिशियल टाइम जो टी आई है यहाँ से इंक्रीज हुई है, उसके बाद जो फाइनल वेलोसिटी है ओमेगा एफ इन टाइम टी एफ, तो हमारे पास जो इसकी इक्वेशंस बनती है, जो इसकी एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन होती है ड्यूरिंग टाइम दिस इज अल्फा एवरेज इज इक्वल टू ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई एंड टी एफ माइनस टी आई. ये है टोटल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इन टोटल टाइम. ओके, अगर हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन का जो क्या कहते हैं इसका जो रिलेशन आता है डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा ओमेगा मींस टोटल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इन टाइम टी, दैट इज कॉल्ड एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशंस. अब हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशंस की. इंस्टेंटेनियस मींस एंगुलर एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट, कोई भी इंस्टेंट ले ले वहाँ पे अगर जो भी हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन आ रहा है उसको हम इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं, जिसकी डेफिनेशन है द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशंस. अगर कोई भी बॉडी सर्कल में मूव कर रही है और उसका आप एक्सेलरेशन देखना चाह रहे हैं, आप वेलोसिटी देखना चाह रहे हैं कि यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या है, इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या है, इसमें वेलोसिटी में जो चेंज आया है एट एनी टाइम, उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशंस.
इसके लिए हम एक और डेफिनेशन देखते हैं जो कि इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन है, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एंगुलर एवरेज एक्सेलरेशन इन द टाइम इंटरवल अप्रोचेस टू जीरो इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, जिसमें आपके पास टोटल टाइम जो है, जो टाइम इंटरवल है वो वेरी वेरी शॉर्ट है, उसके लिए आप जो भी एंगुलर एक्सेलरेशन ले रहे हैं वो आपके पास इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ चेंज इन वेलोसिटी इज द एंगुलर वेलोसिटी ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल डेल्टा टी, वेयर डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। स्टूडेंट, हम वेलोसिटी को तो चेंज कर रहे हैं लेकिन वेरी शॉर्ट टाइम के लिए, देन इसकी जो इक्वेशंस है, जो इनके इसका जो रिलेशन है वो हमारे पास आता है, अल्फा इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा अप्रोचेस टू जीरो डिवाइडेड इनटू डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। इसमें स्टूडेंट आपके पास जो टाइम अप्रोचेस टू जीरो है उसमें वक्त जो आपके पास वेलोसिटी चेंज हुई है उसको कम कहते हैं कि आपका एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट है। थैंक यू वेरी मच।